नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भारत का अन्न खाने वाला पानी पीने वाले सब हिंदू हैं। वहीं उन्होंने पाकिस्तान की हालत पर भी चिंता जताई है, साथ ही कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा आरिफ मोहम्मद खान ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। आरिफ मोहम्मद ने कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले को उठाते हुए कहा कि जब कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही थी उस वक्त सब चुप थे, उन्हें रात 12 बजे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं हिंदू को लेकर उन्होंने कहा कि भारत का अन्न खाने वाले, भारत का पानी पीने वाले सभी को अपने आप को हिंदू कहने का हक है। दरअसल आरिफ मोहम्मद बरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की किताब का विमोचन किया। इस दौरान आरिफ मोहम्मद ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया और कश्मीरी पंडितों से लेकर हिंदू और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। केरल के राज्यपाल ने इस दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क के अगर टुकड़े टुकड़े होते हैं तो उनके पास जो एटम हथियारों का जो जखीरा है, कौन उसका मालिक बनेगा, उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आरिफ मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बातें शुरू हो गई है, हम नहीं चाहते वो मुल्क टूटे, ये मुल्क हमारी मर्जी के खिलाफ बना है वो अलग बात है। वहीं आगे आरिफ मोहम्मद ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश का जमाना सदियों से दुश्मन रहा है, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस दौरान केरल के राज्यपाल ने संस्कृत का एक श्लोक भी पढ़ा और कहा कि हमें अपने देश के लिए अगर खुद को कुर्बान भी करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, हम सभी को गीता कुरान बाइबल और अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि देश में हजारों साल विदेशी हुकूमत रही, फिर भी इस देश की संस्कृति पर कभी खतरा नहीं पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह अलग अलग धर्म और लोगों को बनाए रखना चाहते हैं, तो तुम लोग अल्लाह के मर्जी में दखल क्यों दे रहे हो। वहीं कश्मीरी पंडितों पर बोलते हुए उन्होंने खुले मंच से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करते हुए कहा कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया, तो क्या उन पर अल्लाह का कहर नहीं बरपेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।